जनपद कानपुर देहात के रसूलाबाद एक निजी कार्यक्रम में आए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा की सरकार पर जमकर हमला बोला। नैला कटरा में मूर्ति का अनावरण के बाद पूर्व मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं से मिले और लोकसभा चुनाव के लिए जुटने के लिए मंत्र दिया। तो 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक है और इस बीच अखिलेश यादव तमाम जो लोग हैं उनके बीच पहुंचे और चुनावी हुंकार को लेकर कार्यकर्ताओं को तमाम लोगों को जीत का मंत्र दिया। लगातार 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी जो है वो बैठक कर रही है। इस बीच अखिलेश यादव जय विकास जयंती के दिन जब पूरा देश याद कर रहा है कि हम माल्यार्पण न कर पाए और सबसे दुख की बात यह है कि समाजवादियों ने समाजवादी संग्रहालय बनाया और उनके जीवन के बारे में बताया गया, उनका जीवन कैसे उन्होंने संघर्ष किया और किस तरीके से संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया, जेल में गए और जेल से भाग करके आए, थाली बजाओ आंदोलन किया, तो वो तमाम चीजें उस संग्रहालय में है और संग्रहालय को समाजवादियों ने बनाया। अरे कन्नौज जीतेंगे ऐतिहासिक वोटों से।